2018 में जब विधानसभा हुआ था तो बीजेपी को देखिए, मैंने अभी आपके इसमें रिकॉर्डेड है, मैंने बता दिया कि हमने क्या क्या तैयारियां की। जहां तक 2018 का सवाल है, 2018 में कांग्रेस द्वारा दुष्प्रचारित करके और भ्रमित करके लोगों से वोट ले लिया था। आप जानते हैं कि हमारे जनजाति समाज के भाई बहन बहुत जल्दी आ जाते हैं। कांग्रेस द्वारा भ्रम फैलाया गया था कि हम 2 लाख का कर्जा माफ़ करेंगे, हम समूह का कर्जा माफ़ करेंगे, हम आंगनबाड़ी का वेतन मान बढ़ाएंगे, हम शिक्षकों को नियमित करेंगे, हम बेरोजगारों को बढ़ा देंगे। ऐसे बहुत सारे मुद्दों के बाद पर आप जानते हैं कि कांग्रेस के 15 महीने के शासनकाल में एक भी जो उनकी घोषणाएँ थी वो पूरी नहीं हुई। इसलिए अब हम जनता के सामने उन्हीं बातों को लेकर जा रहे हैं कि जिस मुद्दों पर आपने वोट दिया था, आपको किस प्रकार से भ्रमित किया गया था, आपके साथ किस प्रकार से धोखा हुआ था। और मुझे ये बताते हुए खुश है कि अब हमारा रोबर्ट का जो मतदाता है वो पूरी तरीके से समझ चुका है कि देश प्रेम करने वाली कौन पार्टी है, विकास विकास करने वाली कौन पार्टी है और गरीबों के साथ धोखा देने वाली कौन पार्टी है, ये सब स्पष्ट हो चुका है। सर सुलोचना रावत के पार्टी में आने से कितना फर्क पड़ेगा? सुलोचना रावत हमारी जो बहन है, कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आई है, उनको उससे 1 और 1 11 की स्थिति बनेगी। सर सुलोचना रावत अभी तक 2018 में निर्दलीय लड़ा था, उस समय बीजेपी में नहीं आया, और अचानक से बीजेपी में आने का क्या हो रहा है कि बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति रीति है वो बहुत स्पष्ट है। हमारा जो लक्ष्य है वो सर्वहारा वर्ग का विकास करना, गरीबों का विकास करना, और भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति से बहन सुलोचना कांग्रेस छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। सर सुलोचना रावत के परिवार ने इस विधानसभा पे सर्वाधिक बार 9 बार तक यहाँ पे राज किया, और उसमें जब तक उन्होंने राज किया भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर आरोप ये लगाती थी कि वो कभी भी आदिवासी हितैषी नहीं हो सकती और सिर्फ जुमले की बात करते हैं। तो ऐसा क्या उम्मीद की जाए? ऐसा है कि जो सके भाई होते हैं तो उसमें भी एक दूसरे को बुराई नज़र आती है जब उनके हितों की रक्षा नहीं होती। अब क्योंकि वो हमारी बहन हो गई है इसलिए अब ये बात बेमानी है। सर एक सवाल है, जब वो आमुआ में एक महिला सशक्तिकरण ये प्रदर्शन हुआ था कांग्रेस का, उस समय सुलोचना रावत कांग्रेस पार्टी में थी, तब सुलोचना रावत ने कहा था कि शिवराज सिंह चौहान जोबट में आए थे और झूठे वादे करके गए हैं, और जब अब उसका क्या रिएक्शन पड़ेगा वो वाले बयान के ऊपर? देखिए ऐसा है, ये बीते हुए कल की बात है, आज ये बिल्कुल संदर्भित नहीं है। ऐसी स्थिति में इन बातों का कोई औचित्य नहीं है। सब जानते हैं, पूरी पब्लिक जानती है कि शिवराज सिंह चौहान जो हमारे प्रदेश के सर्वाधिक यशस्वी चाहे जाने वाले मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जितने वादे किए सब वादे पूरे किए, एक भी ऐसा वादा नहीं है जो पूरा करना शेष है। जहाँ तक कुछ वादे ऐसे हो सकते हैं जिनका काम अभी प्रगति पर है या अंडर प्रोसेस है वो हो सकते हैं, परंतु ये कोई नहीं कह सकता कि मुख्यमंत्री जी ने वादे किए और वो झूठे वादे किए। सर इसका मतलब हम ये समझिए, सर